अस्सलाम वालेकुम प्रिय मुलांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी कविता क्रमांक 8 पाखरांचे मागणे या कवितेचा स्वाध्याय बघणार आहोत। मुलांनो चला आप आपली तुम्ही वही काढा आणि त्यामध्ये लिहिण्याची सुरुवात करा। स्वाध्याय मध्ये प्रश्न क्रमांक 1 है आकृति पूर्ण करा। इन्हें पहला प्रश्न है आकृति पूर्ण करा और उसमें कह रहे बच्चों आकृति क्या दी हुई है। यहाँ पर देखो आकृति में पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कवि से मते मानव स्वतः साठी करतो त्या गोष्टी। कवि के हिसाब से इंसान खुद के लिए जो बातें करता है गोष्टी नहीं बात जो चीजें बातें तैयार करता है वो क्या क्या है। यहाँ पर चार बातें हैं जो इंसान खुद के लिए करता है मानुष खुद के लिए करता है। पहला घरे बात तो, दूसरा भवे धन्य बात तो यानी धन्य पानी के डैम वगैरह बनाता है नदी में डैम में जो है तो पानी बचा के रखता है अपने इस्तेमाल के लिए पीने के लिए नहाने धोने के लिए। और तीसरा फुलांची बाग फूलो तो यानी वो जो है तो फूलों के बाग बागीचे गार्डन बनाता है ताकि उसमें उसके बच्चे जो है तो आराम से खेल सके झूला झूल सके। अब नंबर चार है मनोरंजन साठी गाने ऐकतो, वो जो है तो उसके मनोरंजन के लिए गाने सुनता है ना। तो ये चार बातें कह रहे बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर एक घरे बांधो यानी वो खुद के रहने के लिए घर बनाता है। दूसरा भवे धन्य बांधो यानी वो डैम के जरिए पानी को जो बचाता है और उसका इस्तेमाल करता है खाने पीने के लिए धोने के लिए। और नंबर तीन प्लांट पार्क खुलो वो जो तो गार्डन बनाता है अपने बच्चों को रहने के लिए। और चौथा है मनोरंजन साठी गाने वो अपने जो तो एक फुर्सत के औकात में अपना मनोरंजन हो अपना वक्त पास हो जाए उसके लिए वो जो तो गाने भी सुनता है। तो चलिए भाई बच्चों आप इस आकृति को अपनी बयान में लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आज की आकृति आपको जरूर पसंद आएगा। खुदा हाफिज़।